अंधे कुएं में रोशनी का सुराग अक्सर बिहार से मिलता है। आज भी रोशनी का वो सुराग बिहार से मिला, तो मैं समझता हूं कि ये मेरी एक चीज थी, मनोभावना, जिससे आप लोगों को अवगत कराएं। और अगर आपके कोई भी सवाल हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा दिल्ली में बीता है, मैं वहीं मैंने मैंने पढ़ाई की है और वहीं नौकरी भी कर रहा हूं। दिल्ली ने ये छवियां 1984 के बाद नहीं देखी। ये पड़ताल करने की जरूरत है हुक्मरानों द्वारा, हमारी एजेंसीज द्वारा, कि आखिर जो आंदोलन बीते कई हफ्तों से शांतिपूर्ण चल रहा था उस पर किसकी नजर पड़ी, कहीं से कुछ तो जरूर हुआ है जिसकी वजह से दिल्ली में जो छवियां हम आज देख रहे हैं डरावनी छवियां। इसलिए मैंने शुरुआत अपनी बात आपसे माध्यम से की, उन तमाम जो जाने गई हैं वो क्यों गई हैं, इसकी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि जहरीले बयान आ रहे हैं अलग अलग। कोई कह रहा है कि गोली मारो फलाना को, कोई कह रहा है कि 3 दिन के बाद हम बता देंगे, कोई कह रहा है कि हम 15 करोड़ है, वारिस पठान साहब, अनुराग ठाकुर जी, कपिल मिश्रा जी। जहरीले बयानों से बापू के मुल्क की आबो हवा बहुत बिगड़ी है। मैं जानता हूं कि दिल्ली के अंदर वो ताकत है, कल को शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन जो जाने गई हैं क्या वो वापस होंगी? दिल्ली का मानस हुआ है, देश का मानस हुआ है, क्या उसकी भरपाई होगी? कोई भी आंदोलन, चाहे आप इसके पक्ष में या विपक्ष में, तभी सफल होगा इस मुल्क में, अपनी मंजिलें हासिल करेगा, जब हम बापू के बताए रास्ते पर चलते रहे। हिंसा ने आज तक विश्व में किसी चीज का समाधान नहीं किया। मुख्यमंत्री जी पहले कभी इधर की बात कभी उधर की बात करते थे, लेकिन आज उस दबाव के समक्ष नीतीश जी को झुकना पड़ा, क्योंकि नीतीश जी कल तक कह रहे थे कि ऐसा कर देंगे, और मैंने कहा भी था अपने दल की ओर से कि आईना देखेंगे नीतीश जी तो उनका प्रतिबिंब भी कहेगा कि मैं आपका भरोसा नहीं करता। आज जन दबाव की जीत हुई है, आज राजद जिन सरकारों से लड़ रहा था उसकी जीत हुई है, आज बिहार के आवाम की जीत हुई है। और एक मैसेज गया है केंद्र को, जो 1 इंच पीछे नहीं हटने की बात कह रहे थे ना, उनको मीलों दूर भेज दिया गया। यहाँ की आवाम अब ऊब चुकी है, उसको खेतिहर समाज के संकट के लिए समाधान चाहिए, उसको बेरोजगारी दूर होने के समाधान चाहिए, उसको मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार ना हो, किसी शेल्टर में होम में ना हो, उसके समाधान चाहिए। क्या नीतीश जी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जब तक आप अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए तब? तो ये सोच का अभाव है, विजन का अभाव है, और मिशन तो बिल्कुल सिफर है। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य आज क्या है? प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य आज आपके माध्यम से ये कहना था कि पहली बात कि 13 जनवरी को जो तेजस्वी यादव जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने जो अपील की थी विधानसभा में और जन उभार उसके बाद उभरा, आज उसकी परिणति हुई कि बिहार की विधानसभा ने, बावजूद वहाँ की वहाँ बीजेपी की मौजूदगी है, उनके हठधर्मिता की मौजूदगी थी, उनके अहंकार और गरूर की मौजूदगी थी, आज उन्हें वापस हटना पड़ा और एक सर्वसम्मत रेजोल्यूशन पास हुआ है कि पहला राज्य है बिहार जहां बीजेपी के होने के बावजूद विधानसभा ने सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पास किया है। ये बिहार की जीत है, बिहार की दिशा की जीत है। लालू जी कई चीजों के शिकार रहे हैं, उसमें से एक इस बात के भी शिकार रहे हैं, एक घटना कोई बता दे मुझे कि लालू जी ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी अगड़ी जाति का कोई ऐसा नुकसान किया हो। संगठन में हिस्सेदारी देखी है, आपको यकीन दिलाता हूं, अभी टिकट वितरण का वक्त आने दीजिए, आपको हैरानी होगी कि जिस समावेशी चरित्र से हम टिकट वितरण करेंगे वो समावेशी चरित्र राष्ट्रीय जनता दल का है।